हेलो गाइस, मेरा नाम है फैज़ल खान और आप सबका स्वागत है जियो खान यूट्यूब चैनल पे। डेली कैप्सूल ऑफ 5 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज का ये 22 पार्ट है। बहुत खुशी हो रही है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन है और चल रहा है काम। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे जेम और गेट के आंसर की के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। मैं आपको ये बताता हूँ कि वाई वी आर मेकिंग आंसर कीज ऑफ दी असिस्टेंट हाइड्रोलॉजिस्ट एंड जीएसआई प्रीलिम्स एग्ज़ाम, बिकॉज यूपीएससी जो है वो आंसर की उनके जारी करती नहीं है। सो आई थॉट कि इसके लिए स्टैंड लेना चाहिए और जो भी लाइक माइंडेड पीपल है उनके साथ हम एसोसिएट करके आंसर की उनकी प्रिपेयर करते हैं। लेकिन जेम और गेट के लिए आंसर की बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि उनके आंसर की ऑलरेडी वो गेट वाले जेम वाले अपने आप दे देते हैं। आप थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए, ठीक है, तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको। और फिर भी अगर आपको चाहिए ही चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, अगर हमारे पास सफिशिएंट वो आते हैं कमेंट्स, सो आई विल डेफिनेटली कंसिडर इट, राइट। सो स्टार्ट करते हैं इसको टुडे वाले, आज अलग टाइप के क्वेश्चन हैं थोड़े। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द अमाउंट एंड रेनफॉल ड्यूरेशन एट ए पर्टिकुलर प्लेस इज शोन बाई ए चार्ट विच इज़ कॉल्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है हाइटोग्राफ, ठीक है। हाइड्रोग्राफ में अपन क्या करते हैं, ये चार्ट होता है अपने मानसून के रेस्पेक्ट में अपन देखते हैं इसको, ठीक है। प्री मानसून, पोस्ट मानसून और ड्यूरिंग मानसून जो रेनफॉल अपने पास आती है उसको अपन कर्व बनाते हैं, तो वो आपका क्या हाइड्रोग्राफ होता है। सिर्टोकोन बेसिकली आपका सिफ्लोफोर्ड से रिलेटेड है, इस तरह की शेप होती है इसकी, लास्ट में जाके कर्व्ड हो जाता है, ठीक है। हिप्सोमेट्रिक ग्राफ जो है वो आपके अर्थ सरफेस को डेटा मान करके एलिवेशन और डिप्रेशन एरिया को इंडिकेट करता है, तो वो एक अलग चीज़ है। तो हाइटोग्राफ आपके बेसिकली क्या है कि अमाउंट एंड रेनफॉल को बताते हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, उसकी ड्यूरेशन को बताते हैं, और जो चार्ट अपन प्रिपेयर करते हैं उसको आप हाइटोग्राफ बोलते हैं। और इक्वल पॉइंट्स जो होते हैं ना रेनफॉल के, मतलब इक्वल रेनफॉल के पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए जब लाइन अपन इंडिकेट कर ड्रॉ करते हैं तो उसको अपन आइसोहाइटल लाइन बोलते हैं, ठीक है। आइसोहाइटल लाइन, ए लाइन कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ इक्वल रेनफॉल और इक्वल प्रसिपिटेशन। तो ये भी आप ध्यान में रखना, ये आइसो वाले वर्ड जितने भी हैं ना, 10, 12, 15, 20 जो भी हैं, इन सबको ध्यान में रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। द हाइग्रोमीटर इज एसोसिएटेड विद, तो हाइग्रोमीटर आपका एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी से रिलेटेड है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एटमॉस्फेरिक विंडो तो आपकी रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड है, मतलब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है जहाँ पे जो सोलर रेडिएशन है उनका पेनिट्रेशन मैक्सिमम होता है या उनका जो अब्जॉर्प्शन है वो मिनिमम होता है, तो वो आपकी क्या होती है, एटमॉस्फेरिक विंडो होती हैं, ठीक है। तो यह हाइग्रोमीटर ध्यान में रखना है कि एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी से रिलेटेड है। ह्यूमिडिटी का मीनिंग क्या होता है वो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आपको आता है तो, अदरवाइज इट्स ओके, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूजेनिक इन्वायरमेंट रिफर्स टू, अब ये वर्ड मैं यूज़ क्यों कर रहा हूँ, व्हाई डू वी नीड टू कंसिडर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज सेडिमेंट्री इन्वायरमेंट से जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें से कई बार, जैसे आपने जीएसआई प्रीलिम्स का पेपर देखा होगा और उसके अलावा जितने भी जैसे बीएचयू का, डीयू का एंट्रेंस स्पेसिफिकली, उसमें इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यूजेनिक एनवायरनमेंट जो होता है वो दो चीज़ें करता है, एक रिस्ट्रिक्शन ऑफ वाटर सर्कुलेशन, और जब वाटर सर्कुलेशन का रिस्ट्रिक्शन होगा तो जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई नहीं हो पाएगी, सप्लाई नहीं हो पाएगी तो आपका एनवायरनमेंट कैसा हो जाएगा, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। तो आप दो चीज़ें ध्यान में रखना है कि यूजेनिक एनवायरनमेंट है जो है ये क्या कर रहा है, एक तो ग्राउंड वाटर जो वाटर है उसके सर्कुलेशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, रिस्ट्रिक्शन की वजह से जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो आपकी सप्लाई नहीं हो पाएगी, तो दैट विल लीड टू रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट और रिड्यूसिंग कंडीशंस, ठीक है। चलिए ये ध्यान में रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं इसमें। द मोनेरा रेफर्स टू, देखो मोनेरा आपका क्या है, एक आपका किंगडम है, ठीक है, और इस किंगडम में क्या क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के साथ में, ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम यूकैरियोटिक सेल में कौन से होते हैं, आपका प्रोटिस्टा आ जाता है, ठीक है, तो यह ध्यान में रखना। प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डिपेंड करता है कि कौन से की बात कर रहा है, प्लांट्स की बात कर रहा है कि एनिमल्स की बात कर रहा है, उसके बेसिस पे इसका किंगडम हो जाएगा, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। सिंपलेस्ट ऑफ द एडवांस्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तो ये भी किंगडम अगेन डिपेंड करता है कौन से की बात कर रहा है, लेकिन अपन सिंपलेस्ट ऑफ द एडवांस्ड में डालेंगे तो ये जो अपना किंगडम आएगा या जो फाइलम आएगा वो अपना मेटाजोवा रहता है, तो आप ध्यान में रखना, ठीक है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द सम ऑफ द नॉर्मेटिव कंस्टिट्यूट्स,
इन CIPW नॉर्म कैलकुलेशन दैट इज क्वार्ट्ज प्लस अल्बाइट प्लस ऑर्थोक्लेज प्लस नेफलिन प्लस के फेल्सपार, यहाँ पे पी आएगा, ये के फेल्सपार है, ठीक है, के फेल्सपार प्लस लोसाइट इन इग्नियस रॉक्स इज कॉल्ड। तो बेसिकली है क्या कि जब अपन नॉर्मेटिव कैलकुलेशन करते हैं केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे, ऑक्साइड्स के बेसिस पे, अपन क्या करते हैं, एक शीट होती है, ठीक है, उसमें सबसे पहले मिनरल्स को फॉर्म करते हैं रिलेटिव प्रोपोर्शन देते हुए ऑक्साइड्स का, और उसके बेसिस पे अपन मिनरल्स को फॉर्म करते हैं कि सबसे पहले क्या बनाया, फिर क्या बनाया, फिर क्या बनाया, फिर क्या बनाया, तो ऐसे क्या होता है कि अपन कैलकुलेट करते जाते हैं जो भी अपने पास ऑक्साइड्स की परसेंटेज होती हैं, और बताते हैं क्या क्या उस कंपोजिशन से बन सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना थोड़ा सा कि जो मोड होता है वो वॉल्यूमेट्रिक है, और जो ये नॉर्म है ये आपका केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे है, ठीक है। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर है वो आपका है डिफरेंशिएशन इंडेक्स, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट है, इस पॉइंट को स्टार लगा लेना बिल्कुल, और कहीं पे भी आपको ये पूछा जा सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू गाइज, एंड प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सीनियर्स, जूनियर्स एंड इवन योर टीचर्स। थैंक यू सो मच।